दोस्तों आज 1 अगस्त 2022 को वरुण बेवरेजेज लिमिटेड के क्वार्टर टू के फाइनेंशियल रिजल्ट को पब्लिश कर दिया गया है इस कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर होता है इसलिए ये क्वार्टर इस कंपनी का सेकंड क्वार्टर है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने दो रुपये पचास पैसे प्रति इक्विटी शेयर का इंटर्म डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है तो आपको आपके हर शेयर पर दो का इंटर्म डिविडेंड भी मिलने वाला है और इस डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट बारह अगस्त दो फिक्स की गई है और कंपनी ने यह भी बताया है कि इस डिविडेंड को कंपनी 16 अगस्त या उसके बाद पेमेंट भी करेगी ये इस कंपनी का कॉन्सोलीटेड फाइनेंशियल रिजल्ट और यहाँ सारे ये इस ये इस कंपनी का कॉन्सोलीटेड फाइनेंशियल रिजल्ट और यहाँ सारे फिगर मिलियन में बताए गए हैं मैं आपको फिगर्स को करोड़ में कन्वर्ट कर बताऊंगा एक्सेप्ट अर्निंग पर शेयर दोस्तों यहाँ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को इंक्लूडिंग एक्साइज ड्यूटी बताया गया है मैं आपको एक्साइज ड्यूटी को एक्सक्लूड कर बताऊँगा तो क्वार्टर टू में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चार करोड़ है जो प्रीवियस क्वार्टर में ये दो करोड़ के आसपास था और प्रीवियस ईयर के क्यू में ये दो करोड़ था तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 102 परसेंट की बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो ये 75 परसेंट बढ़ा है क्यू में टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग एक्साइज ड्यूटी चार करोड़ है जो प्रीवियस क्वार्टर में ये दो करोड़ था और प्रीवियस ईयर के क्यू में ये दो करोड़ के आसपास था तो टोटल रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग एक की बढ़त है और क्वार्टरली देखें तो ये पचहत्तर बढ़ा है क्यू में प्रॉफ़िट बिफोर टैक्स एक हज़ार इकसठ करोड़ बासठ लाख है जो प्रीवियस क्वार्टर में ये तीन सौ इकसठ करोड़ तेईस लाख था और प्रीवियस ईयर के क्यू टू में ये चार सौ उन्नीस करोड़ पैंसठ लाख था तो प्रॉफ़िट बिफोर टैक्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एक सौ तिरपन परसेंट की बढ़त है और अगर हम लोग क्वार्टरली देखें तो ये एक परसेंट बढ़ा है Q2 में नेट प्रॉफिट 802 करोड़ है जो प्रीवियस क्वार्टर में ये दो करोड़ था और प्रीवियस ईयर के Q1 में ये लगभग तीन करोड़ था तो पैट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग एक परसेंट की बढ़त है और अगर हम लोग क्वार्टरली देखें तो पैट एक परसेंट बढ़ा है Q2 में अर्निंग पर शेयर बारह रुपये बारह पैसे है जो प्रीवियस क्वार्टर में यह तीन रुपये इक्यानवे पैसे था और प्रीवियस ईयर के क्यू में ये चार रुपये चौहत्तर पैसे था तो अर्निंग पर शेयर में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एक परसेंट की बढ़त है और अगर क्वार्टरली देखें तो ये 210 परसेंट बढ़ा है क्यू में कॉन्सोलिडेटेड एबिटा बारह करोड़ साठ लाख है जो प्रीवियस क्वार्टर में ये पाँच करोड़ था और प्रीवियस ईयर के क्यू में ये पाँच करोड़ था तो अगर हम लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो एबिटा में 119 परसेंट की बढ़त है और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो एबिटा एक बढ़ा है और अगर हम लोग इस एबिटा के मार्जिन को देखें तो क्वार्टर टू में एबिटा का मार्जिन 25.2% है जो प्रीवियस क्वार्टर में 18.8% था और प्रीवियस ईयर के क्यू में ये 23.3% था तो एबिटा का मार्जिन भी ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर बढ़ा है तो दोस्तों हम लोगों ने देख लिया इस कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एबिटा पैट ई और मार्जिन इन सभी में ईयर ऑन ईयर और कॉटर क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर अच्छी खासी बढ़त हुई है तो इस कंपनी के रिजल्ट तो बहुत ही अच्छे हैं लेकिन हाँ ये कंपनी मुझे वैल्यूएशन के मामले में थोड़ी महंगी लग रही है तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही अब आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी बहुत बहुत धन्यवाद